हेलो गाइस, टेक टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 11 पीसी या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो उसको जो है कैसे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हम जो है ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली आप अपने पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन कीजिए। इस तरीके से ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स को ओपन कीजिए। सेटिंग्स में लेफ्ट पैनल में आपको सिस्टम एंड परफॉर्मेंस में जाना है इस तरीके से। और यहाँ पे अब आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टअप बूस्ट, इसको भी डिसेबल कीजिए और कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड ऐप व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज, इसको भी आपको जो है डिसेबल कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आप आपका जो बैकग्राउंड में रनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर रहता है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है और बहुत सिंपल भी है। एक्चुअली वीडियो में किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।